लड़की वेट कर रही है, मेरा ही वेट कर रही है लग रहा है। मैं इधर क्यों जा रहा हूँ, लेकिन जब मेरे तुम भी वेट कर रही हो मेरा। पहाड़ों में अगर तुम्हें प्यास लगे और तुम्हारा मन करे कुछ, तो सामने देखो इंग्लिश वाइन शॉप, ठेका देसी भी है भैया। फिर ये ब्लो जॉब, अच्छा सॉरी ब्लो हॉर्न वाला आ गया ट्रक। ओ भाई तू चले जा भाई, पहले मेरे को पीछे रहना पड़ेगा भाई, ये लोग तो भाई काम करवा देंगे लग रहा है। ये हमारी कॉलोनी की सबसे सुंदर आंटी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज गाइस सुबह सुबह ही मिस्टर सोनू, हमारे सोनू भाई, ये मुंह पे लिपस्टिक लगा, ऐसे क्या लगा रखा है, होंठ लाल हो रहे हैं, दबा दिए किसी ने होंठ तुम्हारे सुबह सुबह? चूस के आ रहे हो मतलब सुबह सुबह, बताना नहीं चाह रहे हो, देख रहे हो होंठ बिल्कुल ही भयंकर पिंक हो रहे हैं कतई बिल्कुल ही। अरे यार होंठ फट रहे थे, फट रहे हैं तो गुलाबी कैसे हो रहे हैं? चूस के आ रहे हो मतलब? अरे कहाँ चूस के आ रहे हैं, कहाँ मिल रही है? अब मिल जाती है, बताता नहीं है कोई। चलो फिर चलो घूम के आया जाए जरा ऊपर को। वो किसको, धैर्य को, इसमें कैमरा लगा होता है, रिकॉर्ड होता है सब, मतलब जितना भी रास्ते में चल रहा है सब चीज सब रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, मतलब किस चीज के लिए वैसे ही? यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए, जैसे आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो ना, वो के लिए, ताकि पैसे मिलेगा यूट्यूब से। अच्छा, वही तो। ये तो महंगा होगा फिर ये। हाँ महंगा है, है मतलब टोटल हेलमेट हेलमेट मिला के है 40-50 हज़ार का। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक राइड पे इन द सेंस, मतलब कि आ रहे हैं अभी दो तीन दोस्त लोग आ रहे हैं और फिर हम लोग जा रहे हैं राइड पे। मुझे भी नहीं पता कहाँ पर जा रहे हैं आज, मैं उसके साथ फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। वो भी मोटर ब्लॉग बनाता है, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा मोटर ब्लॉग बना लूँगा उसके साथ, थोड़ा व्यू आ जाएंगे। व्यू तो आते नहीं है मेरे, कोई बात नहीं, अपनी जनता है। 100 लोग तो मेरे फिक्स ही हैं, 100 लोग तो मुझे परमानेंट देखते ही हैं, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि 100 से ज़्यादा तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन 100 की जनता तो मेरी फिक्स है, 100 लोग तो देखते ही देखते हैं मुझे। ये जरा जन्म कुंडली अंदर कर ली जाए। जिन राइडर की बात कर रहा था मैं वो यही है भाई, रिस्की राइडर। तो तुमने फोन तो करा नहीं फिर मुझे? मैं यही करता फोन। अच्छा यहीं आ जाओ करके। तो गाइस पूरी गैंग आ चुकी है, आगे पीछे एक बाइक की धू धू सुनाई दे रही होगी तुम्हें, वो भी पीछे बाइक खड़ी हुई है, अभी दिखती है पता नहीं, Version 3 है वो भी, है धुक 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 चल रही है, देख रहे हो। लेकिन कोई मुकाबला ही नहीं है, मैंडी भाई का कोई मुकाबला है? तुम बताओ है कोई मुझसे प्यारा, कसम खा के बता दो कोई है मुझसे प्यारा। ये देखो ये बैंग स्टार्टिंग में बिली मार दी भाई ने, तो ये खतरनाक है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मेरी हड्डियों हड्डियों से थोड़ा सा प्यार है, क्योंकि मेरे को ड्यूटी भी जाना पड़ेगा बाद में जॉब वॉब करने के लिए, तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसी बकचोदी। ये देखो ये सब नहीं हो पाया मुझसे, सॉरी हो गया गाइस। तो भाई जो सामने सबसे फर्स्ट वाले नंबर की R1 Version 3 है, उसने बड़े भाई तगड़ी मॉडिफाई कर रखी है, उसका एग्जॉस्ट देखो बैंग। भाई साहब क्या एग्जॉस्ट लगा रखा है भाई उसने, क्या आवाज़ आ रही खतरनाक। लेकिन ये है कि ऐसे एग्जॉस्ट में चलान वगैरह है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये मुझे नहीं पता है कौन सी जगह है, क्योंकि मैं नहीं गया हूँ यहाँ पे कभी पहले। क्या कर रहे हैं? हेलो भाई, बस बढ़िया यार बढ़िया। तू हाथ से नीचे से सारा कर रहा है बेटा, हाथ रगड़ जाएगा जमीन पे। दिस इज द मशीन, मशीन से बकचोदी नहीं कभी। हमें तो ऐसे ही ठीक है भैया, हम तो ऐसे गुदगुदा वाले ब्लॉगर हैं, बढ़िया मज़ा आता है ऐसे ही। अब पता नहीं कहाँ जाने की बात कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं हो पाएगा भैया। हल्का सा बिली मारने की कोशिश कर रहा है भाई, अभी हो नहीं रही है, हो नहीं रही है, बिली हो ही नहीं रही है।
हो गई झेल, हो गई झेल, हो गई हल्की हल्की झेल हो गई। ओ भाई तू तू चले जा भाई, पहले मेरे को पीछे रहना पड़ेगा भाई, ये लोग तो भाई काम करवा देंगे लग रहा है, इनसे पीछे रहना पड़ेगा, ये तो भैया कोई भरोसा नहीं है। कब निकलने, बगल बगल से सूसा सूसा निकले और ढेर करवा दिया। तुम्हारा भाई फेवरेट ब्लॉगर मेरे को आगे बनना है यार कुछ, यार क्या करना है भाई। ये देखो ये देखो ये देखो जो मार रहा है ना लीन भाई। फोन आ गया, फोन आ गया, फोन आ गया, मेरा भी कॉल आ गया। धूम मचा रही इधर भाई, लेकिन जो भाई ये हाथ से इशारे कर रहे हैं ना भाई, उसमें मजा आ रहा है। जो ना ब्राइम जो बन रहा है ना भाई, ये वाला कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऐसे करके आ जाओ आ जाओ, ये तगड़ा है इसमें। अबे हमारा जॉन अब्राहम, मेरे को डर लग गया अभी एकदम से, मैंने कहा ना हो पाका। यहाँ पे आए, इंतज़ार करा, कुछ खाया पिया नहीं, ऐसे ही जा रहे हैं। बताओ यार, मतलब दुकान वाला भी कह रहा होगा चूजे बनाने आए थे तुम लोग मुझे, मतलब खाली आए धोखा दिया, तीन चार बाइकें थोड़ी देर खड़ी करी बस सीधे निकल गए। वो बेचारे देखते रह गए, उनने कुर्सी वर्सी लगाई बाहर, ये यहाँ पे चार कुर्सी लगाई, उन्होंने कहा निकलता हूँ सीधे सीधे मैं, चलो चलो अरे चलो चलो, अब कोई काम नहीं रह गया, सीधे चलो। ओ बेटी भाई ये राइडर्स खतरनाक हो रहे हैं, ये भाई साहब इसको देख रहे हो, ये राइडर्स देख रहे हो ये बिल्कुल ही, ये तो कहते झूम जाम राइडर हो रहे हैं भैया। मैं ऐसी राइड नहीं कर पाऊंगा इनकी तरह, मुझे अपनी जान प्यारी है। ओहो हमारी पहाड़ की अल्टो आ गई, टैक्सी अल्टो भाई, सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी उत्तराखंड में यही है, मतलब पहले के टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ ना कि अल्टो का कोई तोड़ ही नहीं है, अल्टो कहीं भी जाके पलटो। फिर ये ब्लो जॉब, अच्छा सॉरी ब्लो हॉर्न वाला आ गया ट्रक, तो बारह पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ब्लो हॉर्न वाले, सॉरी ब्लो जॉब, अच्छा सॉरी ब्लो हॉर्न वाले। यहीं पे ब्रेक दे दी तो। भाई लेकिन जो ये वाला एरिया है ना भाई, ये वाला एरिया बड़ा बूम लग रहा है भाई मुझे एकदम से, एक नंबर बिल्कुल मस्त, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ वहाड़ वाली पूरी वाइब आ रही है, मस्त सी वाइब आ रही है बिल्कुल ही, कुछ कहने का ही नहीं। ये देखो सामने पहाड़, ऐसी जगह रहते हैं हम लोग, मज़ा आता है भाई, आके देखो तुम्हें भी मज़ा आएगा। पर जो गाड़ी आवाज़ करी ना चू 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 चू, इसका पूछू कर दूंगा मैं। पर मैं तुम्हें एक बार बताऊँ ना, जो मज़ा पहाड़ों में बाइक चलाने का है ना, बाइक क्या मतलब बाइक स्कूटी है जो भी चलाओ भाई, वो मज़ा एक नंबर है, वो मज़ा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, वो मज़ा मिलेगा तुम्हें सिर्फ मैंडी भाई के ब्लॉग में मिलेगा। हल्के में ले रहे हो तुम बकचोदी, तुम्हारा भाई मैंडी भाई की अगर बकचोदी जाग गई ना एक बार, तो समझ लो कोई रोक नहीं पाएगा फिर मैंडी भाई को। मैंडी भाई है झूम जाम झूम, और शाकला का बूम बूम। ये देखो ये पहाड़ों में अगर तुम्हें प्यास लगे और तुम्हारा मन करे कुछ, तो सामने देखो इंग्लिश वाइन शॉप, ठेका देसी भी है भैया। वो सामने वाले जो पहाड़ देख रहे हो ना, तो वहाँ से जादू आता था, कोई मिल गया कोई मिल गया। ये ट्रक वाला मुझे जान नहीं देगा, बस नाम सुना है, नहीं सुना है तूने, नहीं सुना है तो ठीक ही है फिर सांप। वो तो मेरा मन नहीं है आजकल बनना, ये लोग तो मेरे सामने सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ उनके सामने बस। लड़की वेट कर रही है, मेरा ही वेट कर रही है लग रहा है, मैं इधर क्यों जा रहा हूँ, लेकिन जब मेरे आज तुम भी वेट कर रही हो मेरा, वो देखो अकेले वेट कर रही है बेचारी मेरा, क्या होगा यार क्या होगा। मैंडी भाई की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है ना, वो लड़की तो कुरकुरा लेके खड़ी थी एक मेले, मैंने कहा नहीं खाऊंगा अभी बाद में मिलता हूँ, ये कह रही कुरकुरा खा लो कुरकुरा खा लो, क्यों जब मेरा मन ही नहीं खा रहा, मैं ज़बरदस्ती है क्या। ये जो हम आए हैं ना, हम ये गली घुमचो में, पहाड़ों में भी गली घुमचो होते हैं तुम लोगों को ये भी तो पता ही नहीं होगा, शॉर्टकट्स इनको हम कहते हैं शॉर्टकट्स। ए पहाड़ी बुबू भयंकर बीड़ी बीड़ी सिगरेट पी के लगा रखा था,
क्या कर रहा ठहरा जी। देखो यार रूम्स वगैरह ऐसे पहाड़ों में कहीं भी मिल जाएंगे तुम्हें, देखो रूम्स ही रूम्स हैं, कैफे एंड रेस्टोरेंट और रूम्स वगैरह तो यहाँ हर जगह अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाएंगे तुम्हें। सांप बना देना जी, सांप भाई ने तो पूरा मोबाइल वाला सेटअप लगा रखा है बिल्कुल बढ़िया सा। अपना तो सब चीज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वायरल की कमी है। बस जिस समय मैंने वायरल का टैटू बना लिया ना उस समय वायरल हो जाऊंगा सीधे सीधे वायरल। कृष देख रहा भाई की जो जीन्स है ना वो माइकल जैक्सन वाली जो बिल्कुल ही ऊपर पहुंच गई, पता नहीं इसको जाड़ा कैसे नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भाई की जीन्स है बिल्कुल माइकल जैक्सन और ये ड्रामे कर दिए दिखा दी भेल अपनी। लेकिन भाई को पता नहीं ठंडा क्यों नहीं लग रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, माइकल जैक्सन की पैंट पहन रखी भाई ने। ये भाई ये बिल्कुल ही क्रेजी किया रे, जहाँ दुख से जहाँ दुख किया रे भाई, खतरनाक मार रहा है। पर मैंडी भाई ये सब चीज़ नहीं करते, मैंडी भाई अच्छे आदमी है। देखो अब दोबारा देखना, दोबारा दिखा रहा भाई अगला भाई, ये हल्की सी उठा रहा है। ओ, 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 ओ। बस भाई बस खेत में चले जाएगा भाई, मत कर इतना, खेत में घुस जाओगे। और ये जो ग्रीनरी वाला सीन देख रहे हो, आए हाय एक नंबर, मतलब मज़ा आ रहा होगा तुम्हें देखने में। देखो ये देखो ये छोटे छोटे राइडर निकल रहे हैं। मैंडी भाई को रकड़ोगे तुम अभी पता नहीं है, एक टायर में पूरा हल्द्वानी में घूम जाऊंगा, यहीं मैं नाच जाऊंगा एक टायर में। लेकिन इन लोगों को अपना टैलेंट क्यों दिखाया जाए, क्यों दिखाएं हम टैलेंट अपना। मैंने तो अभी ध्यान दिया इस भाई का, एक इंडिकेटर अलग है और एक इंडिकेटर अलग है, एक पतला है और एक मोटा है। तो ये जो पुल देख रहे हो ना तुम, अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। अंग्रेजों की जो सेटिंग थी ना, सेटिंग यहाँ से आना जाना करती थी, तो उसके लिए पुल बनाया था, क्योंकि उनको यहाँ से पार करने में दिक्कत हो रही थी ना, उनकी गर्लफ्रेंड यहाँ रहती थी, वो यहाँ रहते थे, तो उन्होंने कहा पुल बनाया जाए, बिना पुल का काम नहीं हो पाएगा, तो ये पुल बनाया गया। तो इसको कहते हैं अंग्रेजों के ज़माने का पुल, सेटिंग वाला पुल। ये पता ही नहीं होगा रॉक ऑन में जो तुम लोग आते, तुम लोग को पता ही नहीं होगा कि सेटिंग वाला पुल है, अब पता चल गया सबको, तो मैंने बताया। तो यहाँ आखिरकार लास्ट में अपने अड्डे पे आके हमने चाय वाय पी के निकल लिए। और ये अंग्रेज़ों का पुल, ध्यान रखना इसके बारे में जो मैंने हिस्ट्री बताई है, एक्चुअल में वो हिस्ट्री यही है। ये देखो दूर से देख रहे हैं लोग हम लोगों को, इतना प्यारा हूँ ना मैं, तभी तो लोग देखते हैं। बताओ कोई है मुझसे प्यारा कोई है? अब ये लोग यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, मतलब अलग अलग अपने घर चले जाएंगे, मैं भी अपने घर चले जाऊँगा फिर साइड से, और क्या करूँगा। लेकिन जो भाई आगे चल रहा है ना, उसकी बाइक का एग्जॉस्ट ऐसी आवाज़ कर रहा है ना कि भयंकर, 15 किलोमीटर दूर से ही पुलिस वाले पकड़ ले आके। हाँ हमसे तेज चला रही है बुलेरो तेरी साले की। ओ चचा आगे वाली सीट पे बैठा हुआ है उल्टी करने के लिए। और मैं तुम्हें एक हल्द्वानी की सबसे बजट फ्रेंडली और अच्छी और ट्रेंडी कपड़ों की दुकान दिखा रहा हूँ भाई, तुम्हें देख लो, उसके बाद थैंक यू बाद में बोल देना, कोई बात नहीं। तो इस जगह पे ये कौन सा चौराहा है, पीली टेढ़ी पुलिया चौराहा है, और सामने देखो ये MJ कलेक्शन हाउस अपना, अपने रविदा का। हमेशा ट्रेंडी कपड़े चाहिए और सस्ते कपड़े चाहिए तो चले जाओ, और थैंक यू बोल देना बाद में, मैसेज भी कर सकते हो थैंक यू का, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर बता नहीं आजकल ये साल सबने जाम लगा दिया पूरा, लेकिन टेम्पो वाले ने कट मार दिया बिल्कुल ही बारीकी थी बिल्कुल ही, पता इतना सा इतने इंच से बचा होगा, अभी दिखाता हूँ, कम से कम इतना इंच इतने से बचा होगा बस। धूल धक्कड़ तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना बिल्कुल कुछ, ये एक बार टेम्पो वालों का कोई भरोसा नहीं, साले कहीं भी मोड़ देते। हमारे फौजी भाइयों की गाड़ी, नो ओवरटेक फ्रॉम लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करें तो कहाँ से करें, लेफ्ट से ही करना पड़ेगा, लेकिन हमें जगह ही नहीं है। कृष्णा डियोर ये गाड़ी खींच के ले जा रहा है क्या, लग तो ऐसा ही रहा है, ख़राब हो गई है, खींची जा रही है गाड़ी। धन्नो खींच रही है भाई, खींच रखी भाई गड्डी खींच रही, ओ धन्नो साहब पूरी पुलिस की भीड़ भाप रही, क्या है आज ऐसा, पूरी पुलिस ही पुलिस लगी पड़ी आज तो, बाप रे इतनी पुलिस, क्या हो गया भाई इतना खतरनाक।
रुक के पूछना पड़ेगा क्या भाई साहब? पुलिस ही पुलिस है, कोई दबोच लिया किसी ने तो गेम ही हो जाएगा अपना। इतनी पुलिस? अच्छा ये लड़की तो मेरा ही वेट कर रही थी। हाँ आ गया, मैं आ गया। अच्छा मेरा नहीं कर रही थी, किसी और का कर रही थी। ये सामने हल्ला रेलवे स्टेशन दिख गया होगा तुम्हें, और यहाँ से मेरा घर दिख गया होगा, वहाँ से बच्चे दिख गए, सब दिख गए। ये देखो हमारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं और ये गैंग पूरी आ चुकी है। तुम्हें क्यों बताऊँ मैं कहाँ जाते हैं? हैं क्या करो? हाँ नैनीताल जाता हूँ मैं। ये हमारी कॉलोनी की सबसे सुंदर आंटी है, शकल तो दिखा दो इधर। मजाक अब जो सच्चाई है सच्चाई देखो, बताओ बिना मुंह धुले भी अच्छी लग रही है ना? तीन दिन से नहाया नहीं है, पता चल रहा है फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो दिखा दो, देखो शकल, ये देखो तिरछी नजर से देखो, आधे गिर जाएंगे देखते ही वीडियो। अरे इधर तो देखो एक बार, इधर बुलाया जा रहा है, देख तो लो क्या पता आपके भैया देख ले हल्का सा डाल दो। तो इधर तो देखो ये मुस्कुराहट देख रहे हो बिल्कुल ही कतई जहर वाली। तो गाइज अब ब्लॉग खत्म करने का टाइम आ चुका है। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, मेरा टकला भी पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।